स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मीज रेसिपी में। आज मैं लेकर आई हूँ मटर पनीर बनाने की सबसे आसान विधि। इतनी आसान है कि आप हर बार ऐसे ही मटर पनीर बनाएंगे। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने लिया 200 ग्राम पनीर, एक बॉल मटर, दो टमाटर, 3 से 4 प्याज, एक छोटा टुकड़ा अदरक, दो हरी मिर्च और 8-10 कलियाँ लहसुन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टमाटर को 2 पीस में काट लिया है और प्याज काट लिया है बारीक पतला पतला, अदरक को भी काट लिया। एक कुकर मैंने गैस पर रख लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी, अभी तेल नहीं डाल रही हूँ मैं। इसमें प्याज डाल दूंगी, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मटर पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ और इसमें मैं डाल दूंगी एक बॉल करीब पानी। मटर भी मुझे बॉईल करने हैं तो मटर मैंने स्टील के कटोरे में डालकर इसमें रख दिए हैं और ढक्कन लगा दूंगी इसे 2 सीटी आने तक। मीडियम गैस पे इसे रख दिया है, 2 सीटी आ चुकी हैं। अब मैंने कुकर खोल लिया है, सारी सब्जियां बहुत अच्छी से गल चुकी हैं। अब सबसे पहले मटर का बॉल मैं बाहर निकाल लूंगी। अब मैंने टमाटर को बाहर निकाल लिया है। टमाटर का जो बाहरी छिलका होता है इसे मैंने हटा लिया है। ये देखिए आराम से उतर जा रहा है क्योंकि अच्छे से गल चुका है टमाटर, तो इसका बाहरी छिलका उतारने में कुछ भी मुश्किल नहीं हो रही है। ये देखिए आराम से उतर जा रहा है। आज मैंने प्याज टमाटर को मिक्सी में भी नहीं पीस रही और बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, तो भी हमारे मटर पनीर की सब्जी बनेगी बहुत टेस्टी। एक कढ़ाई मैंने गैस पर रख ली है और इसमें डाल दिया 2 स्पून बटर। अब बटर मेल्ट हो चुका है, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। अब जीरा भी चटक चुका है, मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज को मैं ऐसे ही स्पून की हेल्प से मैश कर लूँगी। देखिए बिल्कुल भी मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें सीटी लगा दी थी। बहुत अच्छे से मैश हो जा रहा है प्याज। प्याज के इसके प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब कुछ मैश हो गया है। साथ में अब मैंने इसमें डाल दी है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। अब जो उबले हुए टमाटर है इसको भी डालकर मैश कर लेंगे। सारी उबली हुई सब्जी हैं, इजीली मैश हो जा रही है। आप देखिए बहुत अच्छा सा, मिक्सी में पीसने का भी आज झंझट नहीं है। अब इसमें मिला दिया मैंने उबली हुई मटर। अगर आप फ्रोजन मटर यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मटर डाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैंने कढ़ाई को ढक्कन लगा कर रख दिया है। दो मिनट बाद देखेंगे बहुत टेस्टी बनने वाली है आज मटर पनीर की सब्जी। आप किस तरह से मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अब मैं इसमें मिला दूंगी पनीर। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर और रख दूंगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 2 चम्मच फ्रेश मलाई, मैंने इसे फेंट लिया है। अब देखिए बहुत टेस्टी आज का मटर पनीर बनकर तैयार हुआ है, तो देखने में ही लग रहा है ना बहुत टेस्टी, खाने में भी बहुत टेस्टी और बनाने का तरीका देखा आपने कितना ईजी तरीका है। और लास्ट में मैंने मिला दिया 1/2 बॉल हरा धनिया। स्वाद लीजिए टेस्टी टेस्टी मटर पनीर का। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।